नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस में। दोस्तों अभी मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी, वो बनाई थी हमने कि हम कम टाइम में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी कर सकते हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एग्ज़ाम इन शॉर्ट टाइम। ठीक है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स उस पर मिला है, सभी लोगों ने उस पर कमेंट्स भी आए हैं बहुत आपसे सभी के, और लाइक्स भी आपने किया, उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद। उस आपके जो वो वीडियो थी उसमें जो कमेंट बॉक्स है उसमें सबसे मोस्टली क्वेश्चन यही था, कमेंट यही था कि मैं पेपर CC3 और CC4 जो हमारे दो पेपर बचे हुए हैं उनके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बता दूँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बता दूँ। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे, ग्रोइंग अप एज अ लर्नर जो हमारा थर्ड पेपर है CC3 जिसका कोड है हमारा, उसी के हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स कुछ लेकर आए हैं। इस वीडियो का आप पूरा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने के साथ साथ ये भी बताऊँगी आप उसको कैसे ईजिली कर सकते हैं। ठीक है ना, तो वीडियो को ध्यान से सुनिएगा और पूरी सुनिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। तो दोस्तों जो ये अधिगमकर्ता के रूप में विकास है, पहले एक इसका ओवरव्यू ले लीजिए कि इस पूरी बुक में आपको देखने को मिलेगा क्या। देखिए दोस्तों, नाम से है कि अधिगमकर्ता के रूप में विकास, अधिगमकर्ता के रूप में विकास मतलब एक बच्चा है एज अ लर्नर उसका किस किस तरह से डेवलपमेंट होता है वो आपको इसमें देखने को मिलेगा। इसी पूरी बुक में आपके चैप्टर्स इस तरह से होंगे, पहले तो आपको साइकोलॉजी पे बेस्ड है ये पूरी बुक, इसको हम शॉर्ट में साइकोलॉजी भी कहते हैं, मतलब बच्चे की साइकोलॉजी क्या कहती है आपसे। इस पूरी बुक में आपको यही बात की जाएगी कि जब हम एज अ टीचर हम आगे बनेंगे, टीचर्स बच्चों को पढ़ाएंगे तो क्लासरूम में हमें अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे, किसी की क्षमता कैसी होगी, किसी की क्षमता कैसी होगी, किसी का माइंड हाई लेवल का होगा, किसी का स्लो लेवल का होगा, कोई स्लो लर्नर होगा, कोई फास्ट लर्नर होगा, सभी अलग अलग तरह के बच्चे मिलेंगे। तो उनका हम माइंड रीड करके उनके एक्टिविटीज से, उनके हाव भाव से हम उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी निकाल सकें और उनको अच्छे से अच्छी शिक्षा दे सकें हम। तो इस पूरी बुक में यही बात की जाएगी कि हम सभी बच्चों की कैसे हम उसको साइकोलॉजी को पढ़ सकते हैं, कैसे उनके मनोविज्ञान को पढ़ सकते हैं और उन्हें अच्छे से अच्छी जानकारी दे सकते हैं, किस किस तरह के बच्चे हमें स्कूल में हमारी क्लास में मिल सकते हैं, तो उन्हें सभी के बारे में इसमें चर्चा की गई है। मैं इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगी, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स या फिर मोस्ट आस्क्ड टॉपिक्स जो कि एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं, अक्सर इनमें से सवाल ज़रूर मिलते हैं। ठीक है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं, तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से तैयार कीजिएगा और जैसे जैसे मैं बता रही हूँ उसी तरह से इसको पूरा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, इस बुक में जो टॉपिक्स है उसकी खास बात ये है कि जैसे आपने रीजनिंग में देखा होगा ब्लड रिलेशंस के क्वेश्चन आते थे, वो आप जब तक उनको सॉल्व नहीं कर पाएंगे अच्छे से, जब तक कि आप उनको खुद अपनी लाइफ में नहीं लेंगे। अगर कोई क्वेश्चन है कि सीता के पिता की बहन कि मम्मी के डैडी के, इस तरह से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप उसको खुद सीधा मान लेते हैं और उसको इमेजिन करते जाते हैं माइंड में ये कैसे कैसे रिलेशन, तो वही चीज़ हमें इस बुक में करनी है। अलग अलग तरह के इसमें बच्चों के बारे में बताया जाएगा कि उनके साइकोलॉजी क्या होती है, मनोविज्ञान क्या होता है, तो उनको सिर्फ अपने में ढालने की कोशिश करनी है या अपने आसपास के अपने समाज में जो हम देखते हैं लोगों को उनमें ढालने की कोशिश करनी है। एज अ स्टोरी, एज अ कहानी हमको इसमें देखनी है, बिल्कुल समझने की कोशिश करनी है। बहुत इजी बुक है ये, इसमें कोई भी टेंशन कुछ भी चीज़ रटने वाली नहीं है, सभी चीज़ आप सिर्फ समझेंगे, पढ़ेंगे, रीड आउट करेंगे, उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस बुक में आपको तैयार करने में। तो देखते हैं कैसे कैसे करेंगे। सबसे पहला जो यूनिट वाइज हमने इसमें टॉपिक रखे हैं, एक दो टॉपिक ऊपर नीचे हो सकते हैं वरना कोशिश यही है कि यूनिट वाइज रखे जाएं इसमें, तो सबसे पहला है हमारा मनोविज्ञान साइकोलॉजी। इसमें हम क्या करेंगे, क्वेश्चन आता है कि मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, इसकी प्रकृति बताइए, परिभाषा बताइए, व्हाट डू यू मीन बाय साइकोलॉजी। ठीक है, तो हमें इसमें मनोविज्ञान पढ़ना है और उसके अंदर उसकी एक डेफिनेशन देख लेंगे कोई भी, उसका नेचर क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, ठीक है, उसका मीनिंग, उसका क्षेत्र, स्कोप क्या है मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी का। ठीक है, तो हम ये इसमें पढ़ लेंगे और साथ साथ हम पढ़ेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षक की क्या भूमिका है, रोल ऑफ टीचर्स इन एजुकेशन साइकोलॉजी। ठीक है ना, तो हम यही पढ़ेंगे मनोविज्ञान में, मनोविज्ञान पढ़ लेंगे, साइकोलॉजी क्या है उसकी दो डेफिनेशन ले लेंगे, उसका नेचर क्या है, उसका स्कोप क्या है आगे, तो यही चीज़ हम लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट लेंगे हम व्यक्तिगत विभिन्नताएं।
व्यक्तिगत विभिन्नता यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। अभी मैंने बात की थी कि क्लास में आपको हर तरह के बच्चे मिलेंगे, सभी, कोई भी बच्चा दूसरे के समान नहीं होगा, सभी बच्चे एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होते हैं। तो उन्हीं में ही हमें उनकी साइकोलॉजी को पहचानना है, उनको पहचाना है और उनके अनुसार शिक्षा देनी है। तो जो व्यक्तिगत विभिन्नताएं हैं उसमें कैसे आते हैं, प्रतिभाशाली व्यक्ति आ जाते हैं, बच्चे आ जाते हैं जो कि गिफ्टेड चाइल्ड जिसको हम कहते हैं, यानी कि जो सभी से बहुत जल्दी सब चीज़ गेन कर लेते हैं, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, पिछड़ा बालक होता है जो यानी कि क्लास में पीछे पीछे रहता है, कुछ ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, ठीक है। कुछ मंदबुद्धि बालक होते हैं जिनकी यानी कि जो बुद्धि है, जो इंटेलेक्चुअल है, वो थोड़ी सी कम होती है बाकी बच्चों के मुकाबले में। हर तरह के बच्चे मिलते हैं। तो उन सभी में से जो हम पहले तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को जानेंगे और उसमें सिर्फ हम दो पे ज़्यादा मेन फोकस करेंगे, एक तो गिफ्टेड चाइल्ड और बैकवर्ड चाइल्ड, यानी कि प्रतिभाशाली बालक और पिछड़ा बालक, इनमें से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सेकेंड यूनिट में सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है एडोलसेंस। इसमें से तो 99% आपको क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा एडोलसेंस के ऊपर, चाहे शॉर्ट में मिलो और चाहे लॉन्ग में मिलो, लेकिन एक क्वेश्चन ज़रूर मिलेगा आपको कि एडोलसेंस क्या है, किशोरावस्था क्या है, इसकी क्या क्या समस्याएं उत्पन्न होती है। क्योंकि एडोलसेंस जो किशोरावस्था है उसको हम तूफान की अवस्था भी कहते हैं, ठीक है, टीनेजर जिसको हम बोलते हैं। तो हमें इसकी समस्याएं बतानी है कि एडोलसेंस है क्या, इसमें क्या क्या समस्याएं होती हैं और टीचर्स इनमें कैसे कैसे अपना रोल प्ले कर सकता है, किस तरह से इसमें रोल प्ले कर सकता है, ठीक है। साथ ही हम पढ़ेंगे ग्रोथ और डेवलपमेंट यानी अभिवृद्धि और विकास। वीडियो, कुछ वीडियोस हम पहले ही अपलोड कर चुके थे साइकोलॉजी की, तो आप प्लेलिस्ट में अगर साइकोलॉजी के पे जाएंगे तो उसमें आपको कुछ टॉपिक मिलेंगे। एक तो उसमें फर्स्ट यूनिट मोस्टली उसमें कंप्लीट हो चुकी है, उसमें आपको साइकोलॉजी, साइकोलॉजी का अर्थ, प्रकृति, विशेषता, सभी चीज़ उसमें कंप्लीट हो चुकी है। और साथ साथ अभिवृद्धि और विकास पर भी एक टॉपिक उसमें अपलोडेड है, ठीक है। आप लोग बाद में लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग जाकर देख सकते हैं, चाहे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। नेक्स्ट है जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट विद रेफरेंस टू पियाजे, यानी पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास के बारे में उन्होंने बताया था उसको हम देखेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, बहुत सारे लर्निंग थ्योरीज में बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने अपनी अपनी लर्निंग थ्योरी दी है। उनमें से जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर, जिसमें से मोस्टली इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी। इस यूनिट में से आपको दोस्तों पर्सनैलिटी का सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ना है कि पर्सनैलिटी है क्या, इसमें से एक क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट है अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कौन कौन से कारक है जो हमारी लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। हमारा वातावरण हो सकता है हमारा वातावरण ऐसा हो जिसमें हम लर्निंग ठीक से नहीं कर पा रहे हों, ठीक है ना, हेरिडिटी हो सकती है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं, इनको सबको सिर्फ आपको एक बार पढ़ना है, आपको आसपास के उसमें देखना है। अब जैसे आपका ऊपर ही है, ये आपके आए थे व्यक्तिगत विभिन्नताएं, हमें आसपास अपनी क्लास में देख लीजिए, अपने क्लासमेट्स को देख लीजिए। कोई होंगे जो बिल्कुल इंटेलिजेंट में आते हैं, बहुत ज़्यादा जो हमेशा आगे रहते हैं, सब चीज़ों को एकदम तुरंत कैच कर लेते हैं। कुछ होते हैं जो सबसे पीछे पीछे रहते हैं, ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो पाते। कुछ होते हैं प्रॉब्लम क्रिएटिंग, यानी कि जो इंटरेस्ट नहीं लेते लर्निंग में, इंटरेस्ट नहीं लेते, लर्निंग करते नहीं है, बल्कि बाकी की जो क्लासमेट्स हैं उनमें प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो हर तरह के बच्चे मिलते हैं, तो उन्हीं में आपस में सोचिए, लीजिए और उनकी आप पढ़िए प्रतिभाशाली बालक की क्या विशेषताएं होती है, कैसे हम उनको पहचान सकते हैं आगे फ्यूचर में। हम इमेजिन करने की बात है इसमें सब में कि फ्यूचर में हमें कैसे कैसे बच्चे मिलेंगे। अगर हमें कोई प्रतिभाशाली व्यक्ति, कोई प्रतिभाशाली बालक मिल जाता है तो हम उसको कैसे कैसे अच्छे से अच्छी एजुकेशन दे सकेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो हमने पढ़ा था कि फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग, यानी कौन कौन से फैक्टर है जो लर्निंग को अफेक्ट करते हैं। और लास्ट है बुद्धि लब्धि, इंटेलिजेंस क्वेश्चन। और एक इसमें वेरी शोर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि बुद्धि लब्धि की किस में मापते हैं, और उसका जो फॉर्मूला होता है बुद्धि लब्धि मापने का वो ज़रूर आता है। तो वो ज़रूर ध्यान से देख लीजिए, वो वेरी शोर में मोस्टली आ जाता है। तो दोस्तों ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में बीएड के, ठीक है। इनमें से आपको कोई भी टॉपिक चाहिए, आप, मैं अगर बात करूं तो फर्स्ट जो ये टॉपिक है, ये इसकी पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी, आप साइकोलॉजी की प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे तो उसमें मिल जाएंगी, ठीक है। उनसे अलग आपका अभिवृद्धि और विकास की भी वीडियो अपलोडेड है। थॉर्नडाइक की वीडियो अपलोडेड थी लेकिन वो किसी कारणवश हमें
प्राइवेट में करनी पड़ी, लेकिन वो दोबारा अपलोड कर दी जाएगी। कमेंट भी आए हुए थे थोंडाइक की थ्योरी के ऊपर, तो वो अपलोडेड कर दी जाएगी एक दो दिन में ही, ठीक है। बाकी इनसे अलग जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको अच्छे से देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए। मेन बात है कि जिस टाइम आप सिर्फ एक बार आप बुक को रीड आउट करिए अच्छे से, जैसे कि आप फोकस आपका वहीं पे होना चाहिए, और तुरंत आपको पता चल जाएगा कि बिल्कुल भी लर्न करने की कोई भी इसमें ज़रूरत नहीं, कोई भी चीज़ रटने वाली कोई भी बात नहीं है। सिर्फ आप नॉर्मल इमेजिन कीजिए, इसमें आपके इमेजिनेशन पावर ज़्यादा चाहिए और थोड़ा फोकस रीडिंग के साथ, ठीक है। तो जो भी कोई इसमें टॉपिक आपको चाहिए कि मैं उसकी वीडियो डिटेल्स में दूँ, तो उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। जो भी टॉपिक आपको चाहिए तो उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसी लगी वीडियो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो लोग नए जुड़े हैं, जो लोग वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप किसी भी वीडियो को मिस ना करें। आज के लिए बस इतने ही, मिलेंगे आने वाली वीडियो में। धन्यवाद।